नमस्कार, हम अवनीश अपना पंचे देखी लागे दलोक नीति। दलोक नीति में आज हम लेके आन है विंध्य प्रदेश के प्रमुख प्रमुख खास खबर अपना पंचन के लिए। सबसे पहली खबर जो नहीं हम लेके आन है रीवा से। रीवा में का है इस समय खुशखबरी आई है। रीवा में बतावा गया है कि जो पौधारोपण अभियान चलावा गया रहा मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से, तो केंद्रीय वन मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, उनमें पता चला है कि रीवा और सतना से पेड़न के या पौधा जो लगावा गया रहा है ओखर बढ़ोतरी भई। मतलब कहा है कि पेड़ और पौधा के घनत्व में रीवा और सतना में बढ़ोतरी भई, जबकि उमरिया सीधी एक ऐसी पेड़न के घनत्व में कमी आई है। हम बताए थे कैसा, कहा जाता है कि सघन घनत्व तो अगर 0.8 हो तो सघन घनत्व तो बोला जाता है पेड़न के डेंसिटी के लिए, तो रीवा माँ और सतना माँ 0.8 पावा गा है। मतलब यह है कि रीवा और सतना माँ सघन घनत्व तो पेड़न के पावा गा है। ऐसे हमारे विंध्य प्रदेश वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है। ओके, साथ साथ मध्य प्रदेश का विंध्य प्रदेश में नाच हो चाहिए। अब हम बढ़ी थे अपने दूसर खबर की ओर। दूसर खबर जो नहीं सतना से है, सतना माँ हस्तशिल्प जो उत्पाद हो था ओखर प्रदर्शनी के आयोजन की गा है। हस्तशिल्प प्रदर्शनी के आयोजन वहन के प्रबंधन कहीं हमेश करी लागे कि जौन हाथे से प्रोडक्ट बनावा जाता है, उत्पाद बनावा जाता है, उनका मार्केटिंग के लिए एक थे स्थान मिल सकी। और ये समय हस्तशिल्प के उत्पादन के बड़ी डिमांडी कहा लागा प्रबंधक कि वहन जो चंदेरी के साड़ी है, महेश्वरी के साड़ी है और जो कुछ साड़ी और जो लड़कियन के लिए सूट हाँ, इनखर बहुत डिमांडी। साथ ही साथ बेड सीट के कारीगरी वाली और ओके साथ माँ कुछ और ऐसा उत्पाद हाँ जेखर बहुत डिमांड चलन लागी। ये वजह से वहन के जो हस्तशिल्प उत्पाद जो बनावा था अपने हाथन से, तो ये वजह से बहुत खुश हाँ कि उनखर जो प्रोडक्ट हाँ उनका एक अच्छा स्थान मिला है मार्केटिंग के और अपन उत्पाद बेचे के, तो उनका प्रॉफिट का देख के प्रबंधक बहुत खुश है। और जो उन्हें इतनी मेहनत करा था, अपने हाथ से कढ़ाई करा था, वो खुश हैं कि उनका एक स्थान मिला है जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग कर सका था और अपने उत्पाद का बेच सका था। अब हम बढ़ी थे अपन तीसर खबर की ओर। तीसर खबर जो नहीं सीधी से आवल लाई। सीधी से बहुत बुरी खबर हमका मिलने लगी कि वहन एक साल में लगभग 145 महिलाएँ गायब हो गई हैं। लगभग 10 थाना के अंतर्गत जौन आवा था 145 महिला गायब हैं और वहन के SP थाना प्रभारी का कोनो भनक नहीं है। अगर वहन के लोग रिपोर्ट लिखावा जाता है कि ये गायब हो गए हैं, इनके ढूंढे चाहिए, तो ढूंढे का का आश्वासन तो दे देता, हाँ हम ढूंढब सब कुछ, कागजी कार्रवाई हो जाती, लेकिन केवल 1% एक्शन नहीं ले लगा है, कोनो कार्रवाई नहीं कर लगा है। अब अपना पंचे बताई कि पुलिस एक हर जिम्मेदारी अगर ना ले तो एक हर जिम्मेदारी ले के सबसे बड़ी बात यह ही पुलिस का कह रही है। एक ऐसी सटोरियन का पकड़ लागी, एक ऐसी उगाही कर लागी, एक ऐसी हेलमेट नहीं लगाए उनका गाड़ी पकड़ लागी और साथ साथ दारू जो अवैध ले जा दुई पेटी उनका पकड़ लागी। लेकिन जो उन हमारे देश के बोला गया है बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, जो भी जितनी भी अभियान बेटियों के लिए चलाए जा रहे हैं, मतलब जो चलन लागा, तो खर सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले ला, कोनो कार्रवाई नहीं कर ला गया है और ना ही सरकारों के ध्यान दे लागी, तब महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। चौथी खबर जो नावल लाई वो शहडोल से ही। अब शहडोल माँ हमार मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान 15 साल शासन करी, वो कहीं मध्य प्रदेश माँ 100% जिला गांव हर जगह हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई ला। लेकिन अब अहिना शहडोल के कुछ गांव हाँ जहाँ 70 साल आज़ादी के 70 सालों तक अब तक वहाँ बिजली नहीं पहुँची आए। अब हम बहने की घटना बताई थे कि वहन कलेक्टर गए और कलेक्टर जैसे वहन घुसे तो वहन के गांव वाले कलेक्टर मुर्दाबाद के नारा लगावे लागे। कहीं जब 70 साल से आज तक हम बिजली नहीं आ पाई तो अपना यहाँ का करे यार है। बहुत लोग आए गए आश्वासन दीन के बिजली आ जी, लेकिन 70 साल से अब तक कहा गया है कि 24 घंटे बिजली आती हन, उनके पास बिजली के तारे अब तक नहीं दिखे आई। अगर उनका मोबाइल चार्ज करे जाते जाए है तो 70 किलोमीटर दूर जाता तब बिजली तब अपन मोबाइल चार्ज करा था। यह हमारे देश के विकास आए जो सबके सामने है। मतलब है कहा गया जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो जाए मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, हाँ बोलत तो हाँ, लेकिन जो जमीनी हकीकत जो हमारे पंचे के सामने आवल लागी हुआ या फैक्ट आए अपना पंचे गौर करिए। अब बढ़ी थे हम पांच पचवीं खबर की ओर। पचवीं खबर जो उन्हीं हमारे खेल से ही
खेल में का है कि जसप्रीत बुमराह जो नंबर वन बॉलर रहे हैं अब वो फिसल के दूसरे स्थान में आई गए हैं, वो खर वजह का है। अब जैसे सबका पता है कि भारत जो है न्यूजीलैंड के दौरा मगा, लेकिन वहाँ ने जसप्रीत बुमराह जो हाँ तो चार में तीन मैच के लिए एक मैच पहले खेले रहे हैं, लगातार चार मैच में वो एक को विकेट नहीं पाई हैं, ये वजह से उनका रैंकिंग गिर गई और वो खिसक के दूसरे नंबर पर आ गए हैं और पहले नंबर पर ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के आए गए हैं। यह रही आज की खबर। हम अब इस अपना पंचन से विदा ले थे, ऐसे देश दुनिया और हमारे विंध्य प्रदेश के खास खबर देखने के लिए द लोक नीत के साथ जुड़े रहा। हम अपना पंचन का ऐसे अपने रीवा सीधी सतना शहडोल यानी विंध्य प्रदेश के सलगी खबर अपना पंचन तक हम पहुँचावत रहा।